मनुष्य आत्मा का ऊरा कैसे बनता है? ऊरा माना आत्मा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। आत्मा में अलग 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 संकल्प करने से, अलग अलग सोचने से इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का कलर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य आत्मा गुस्सा करती है तो मनुष्य आत्माओं में से, मनुष्य आत्मा चैतन्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति में से, आत्मा में से उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर रेड कलर का निकलता है, इसलिए उसका ऊरा रेड बन जाता है। जब वो गुस्सा करता है तो उसके पास में कोई, पूरा वायुमंडल भी रेड कलर का ऊरा बन जाने से पास में कोई आ जाए तो भी वो गुस्से वाला बन जाता है। ऐसी तरह जब कोई अच्छा सोचता है तो अच्छा सोचने वाले का ग्रीन कलर या ब्लू कलर हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा एकदम अच्छा सोचती है तो क्रिएटिव वर्क करती है, तो अच्छा सोचने से उसका आत्मा में से उसकी जो पावर है, इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स हैं वो ग्रीन कलर या ब्लू कलर का होता है, इसलिए ओरा उसका ग्रीन या ब्लू हो जाता है। समस्त विश्व कल्याण के लिए जब सोचता है, समस्त विश्व कल्याण के लिए जब कोई भी मनुष्य आत्मा सोचती है, तब उसके सोचते सोचते इसकी भावना, भावना समस्त विश्व कल्याण की भावना होती है, तब उसका, उसकी आत्मा में से चैतन्य शक्ति माना इलेक्ट्रॉनिक्स पावर एकदम वाइट निकलती है, इसलिए उसका ओरा एकदम वाइट हो जाता है। इसलिए जो साधु संतों का तुम देखो तो उसका ओरा जो क्राउन होता है वो सफेद होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओरा माना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओरा किसको कहते हैं? तो जो सोचोगे ऐसे ओरा बनेगा, इसलिए अच्छा सोचो ये, और ओरे से ओरा माना कारण शरीर, ओरा माना कारण शरीर। कईयों का ओरा 2 इंच का भी होता है, कईयों का ओरा 2 फुट का भी होता है, कई ज्यादा बहुत अच्छा सोचते हैं, सारे विश्व के लिए सोचते हैं तो उसका ओरा बहुत बड़ा बन जाता है। एक बार मेरा किसी ने मेरा ओरा मापा था, 100 फुट तक ओरा जाता था मेरा, तो उसी टाइम में पूरे विश्व को सकार दे रहा था, सारे विश्व का कल्याण हो ऐसा भाव पैदा करने से, सारे विश्व का कल्याण भाव सोचने से तुम्हारा ओरा एकदम वाइट क्राउन बन जाता, पूरा ओरा 50 फुट, 100 फुट, 200 फुट तक जाता। अगर तुम बुद्धि से तुम कई करोड़ किलोमीटर ऊपर, धरती से ऊपर जाके वहां से ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेकर तुम सारी धरती पर सकार डालते हो कि सारी धरती का विश्व कल्याण हो, सारी धरती का विश्व कल्याण हो, सारी धरती का विश्व कल्याण हो, समग्र सारे विश्व के कल्याण हो, ये भावना से तुम ओरा, भावना से साथ तुम पावर डालते हो तो सारा विश्व के ओरा में भी फर्क पड़ जाता है, तुम सारे विश्व को एक आत्मा भी बदल सकते हो। तो ओरा तुम्हारा कितना बन गया? तुम्हारा उतना, तुम जितने करोड़ किलोमीटर ऊपर गए इतना ओरा बन गया तुम्हारा, कई करोड़ किलोमीटर का ओरा बन गया तुम्हारा। इसलिए ओरा मन की सोच है, और तुम ओरा बदलने से तुम्हारे रोग शोक सब दूर कर हो जाता है, तुम दूसरों के दूर बैठे बैठे भी रोग शोक दूर मिटा सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास अच्छी सोच है, पावर है, ओरा का पावर है, अच्छी सोच माना पावर, इलेक्ट्रॉन, तो दूर कोई अमेरिका में बैठा है तो तुम उसको फेस को याद करके उसको सकार दोगे, पावर दो तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, तो उसको भी पावर मिलेगा, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और उसको एक साथ में बहुत पावर दोगा तो वो ठीक हो जाएगा बैठे बैठे। पहले से ऋषि मुनि दूर बैठे बैठे भी एक दूसरे को ठीक कर लेते थे, तो ओरा को चेंज करना माना रोग शोक दूर।